एवरी वन अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टुडे इज़ माई टॉपिक फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बास्केटबॉल एक्सप्लेन फर्स्ट हम है हमारा जंप बॉल टू स्टार्ट द गेम इन टू द बिगिनिंग बॉल इज़ टॉस एंड प्लेयर जम्प फॉर फॉर द कलेक्शन ऑफ द बॉल जब गेम आपका स्टार्ट होता है बिगनिंग होती है गेम की तो बॉल टॉस होती है और जो प्लेयर होता है वो जंप करके बॉल का कलेक्शन करता है दे आर नॉट अलाउड टू पुश और हिट द अपोनेंट प्लेयर अपन अपोनेंट प्लेयर को वो हिट नहीं कर सकता है यूजली परफॉर्म बाई टोल प्लेयर ज़्यादातर इसमें टोल प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम इट कंटिन्यू विथ थ्रोइन और जब गेम दोबारा रिस्टार्ट होता है तो थ्रोइन से गेम रिस्टार्ट होता है नेक्स्ट आपका चेस्ट पास इट इज़ ए डायरेक्ट पास ऑन टीम मेट जब ये एक डायरेक्ट पास होता है जो हम अपने टीम मेट को देते हैं चेस्ट लेवल पे बॉल इज़ पास विद इनिशियली मोमेंटम डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस टू पास और ये जब बॉल को हम पास करते हैं उसी साथ, उसी के साथ में डिपेंड करता है आपका मोमेंटम और डिस्टेंस जिससे हम बॉल को पास करते हैं इट पास विद इट इज़ पास विद बोथ हैंड विच आर फ्लैक्स इनिशियली एंड लेटर एक्सटेंडेड टू द पासिंग और जब हम पास करते हैं बोथ हैंड से हम पास करते हैं और इसमें फ्लेक्सिबल करते हैं एक्सटेंड करते हैं और बॉल को पास करते हैं नेक्स्ट है बाउंस पास प्लेयर पास द बॉल विद ए बाउंस टू हिज टीम मेट आफ्टर फेकिंग डिफेंडर इट शुड रीच नॉर्मल हाइट जो प्लेयर होता है वो बॉल को बाउंस करता है टीम मेट टीम मेट को जब पास करता है इट शुड बी रीच नॉर्मल हाइट और वो नॉर्मल हाइट पे बॉल को अपने प्लेयर तक पहुँचाता है नेक्स्ट है पासिंग वन हैंड वन हैंड की पासिंग यानी कि बॉल को थ्रो करना आफ्टर फेकिंग अपोनेंट द प्लेयर पास द बॉल टू हिज टीम टीम मेट इट कैन बी डन वन हैंड और बोथ हैंड जो प्लेयर होता है बॉल को पास करता है अपने टीम मेट को वन हैंड से या बोथ हैंड से नेक्स्ट है लो ड्रिबल इट इज़ ए डिफेंसिव ड्रिबल पहले भी बताया था लो ड्रिबल होती है डिफेंसिव ड्रिबल होती है टू कीप द कंट्रोल ओवर द बॉल वैन अपोनेंट इज़ वेरी क्लोज़ यानी कि जब अपोनेंट प्लेयर कोई भी डिफेंस करता है क्लोज होता है तो इसमें ड्रिबल का यूज़ करते हैं हम द बॉल इज़ बाउंस एट लो हाइट अप टू नी और बॉडी यानी कि जब हम ड्रिबल का यूज़ करते हैं तो जो बॉल की जो हाइट होती है वो नी लेवल पे होती है जिससे कि हम अपोनेंट के साथ में उसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं ड्रिबल से नेक्स्ट है ड्रिबल इट इज़ एन ऑफेंसिव ड्रिबल ड्रिबल होती है ऑफेंसिव ड्रिबल जिसमें कि हम लॉन्ग जैसे कि आप खेलते हैं तो उसमें आपको बॉल जैसे मिलते है हाइड्रबल से आप बॉल को एकदम से लेके जाते हैं अपोनेंट कोर्ट में तो उसी तरह हाइड्रबल इट इज़ ए ऑफेंसिव ड्रिबल द बाउंस इज हाई रिस्ट हाइट टू प्रोवाइड फास्ट रनिंग मूवमेंट हैंड्स परफॉर्म द पंपिंग एक्शन ओवर द बॉल प्रेसिंग इट और अभी जो मैंने बताया था कि जो अब हाई ड्रिबल होता है वो फेंसी ड्रिबल होता है जिससे कि अपोनेंट कोर्ट में जाते टाइम आप फास्ट मूवमेंट करते हैं बॉल को पंप करते हैं और प्रेस करते हैं बॉल को अपोनेंट कोर्ट में डंक आफ्टर फेकिंग अपोनेंट द प्लेयर इज नियर द रिंग एंड पुश द बॉल इन साइड द रिंग विद हैंड जिसमें कि आप डाइग्राम में जैसे देख रहे हैं तो जो प्लेयर होता है इन साइड द रिंग पूरा जंप करके बॉल को जो बास्केट करता है उसको हम डंक बोलते हैं अब आता है जंप शॉट दिस इज़ ए मोस्ट कॉमन शॉट फ्रॉम फोर थ्री पॉइंट यानी कि जंप शॉट होता है वो आपका कॉमन शॉट होता है जो तो कि थ्री पॉइंट मिलते हैं जिसमें इन दिस वन हैंड इज़ यूज टू पुश द बॉल ओवर डायरेक्ट द बॉल टू द बास्केट विद द जम्प और वन हैंड से बॉल को पुश करके और डायरेक्ट तरीके से जो हम बास्केट करते हैं जंप करके उसको हम थ्री पॉइंट जंप शॉट बोलते हैं हैंड एक्सटेंड ओवर द हेड विथ फुल एक्क्रेषी यानी कि जब हम जम्प जैसे कि ये डाइग्राम में देखो आप देखा जम्प जंप, जंप शॉट थ्री पॉइंट लाइन आर्क से जो हम जंप बॉल करते हैं हेड्स के ऊपर हमारे दोनों हाथ होते हैं और उसको फुल पावर के साथ में हम उसको बास्किट करते हैं लेप शॉट आफ्टर फेकिंग अपोनेंट द प्लेयर टू टेक्स टू स्टेप्स टू रीस नियर द रिंग एंड प्लेस द बोल इन साइड द रिंग यानी कि लेअप शॉट होता है जो प्लेयर होता है टू स्टेप्स के साथ में रिंग के बिल्कुल नज़दीक जाके और बॉल को इनसाइड द रिंग यानी कि रिंग में डालता है बास्केट करता है पाइवेट फुट पाइवेट फुट इट इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड मोशन विद द बॉल यानी कि जो पाइवेट फुट होता है वो फिक्स फिक्स मूवमेंट के साथ होता है जैसे ए प्लेयर रोटेट अराउंड कीपिंग वन फुट स्टेशनरी यानी कि जो प्लेयर होता है एक ही लेग पे उसको बॉडी को रोटेट करता है टर्निंग पोजिशन पाइवेट पाइवेट मतलब टर्निंग पोजिशन इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉडी विल वन फुट मेंटेन द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर और जो बॉडी डायरेक्शन को जब वो चेंज करता है तो उसका जो फुट होता है वो बिल्कुल उस पर फ्लोर पे फिक्स होता है एक फुट जिसमें कि आपको प्राइवेट फुट से बॉडी टर्न करने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है और कोई भी प्लेयर आपको इस तरह से कोई डिफेंड नहीं कर सकता है ये आपके डायग्राम है जैसे ये देखो ये जंप बॉल हो गया ये जंप बॉल है ये आपकी चेस्ट पास है या आपका बाउंस पास है या आपका लोडबल हाइड्रबल और डंक जंप शॉट लेअप शॉट पाइवेट फुट तो ये आपको नेक्स्ट उसमें असाइनमेंट जब आपका आएगा ये ट्रम हम आपको लिखवा दिए जाएंगे ओके थैंक यू सो मच